एसटीएफ और कैंट थाने की पुलिस ने शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी बताकर एसटीएफ के नाम पर रंगदारी वसूलने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राजकुमार यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी बनकटिया तिवारी थाना श्याम देउरवा जनपद महाराजगंज, दूसरा रुद्र प्रताप यादव उर्फ आरपी पुत्र स्वर्गीय सरजू यादव निवासी ग्राम ज्योतबगही पोस्ट भवापार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, तीसरा गिरधारी लाल जायसवाल पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम आमा बाजार थाना गौर जिला बस्ती के रूप में हुई है, जिनके पास से 4 मोबाइल, 1 आधार कार्ड, 1 निर्वाचन कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 डीएल, 2 पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, 1 शपथ पत्र की फोटोकॉपी को बरामद किया गया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी मुकदमा जो कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय जानीपुर ब्लॉक कौड़ी राम जनपद गोरखपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है, 10 अगस्त को वादी उपरोक्त को एक स्पीड पोस्ट डाक से मिला जिस पर रुद्र प्रताप पुत्र सरजू पता शिवपुर सहबाजगंज नहर रोड पादरी बाजार जनपद गोरखपुर अंकित था। उस पत्र में बीपीएड का अंक पत्र फर्जी होने की बात कहकर एसटीएफ बीएसए ऑफिस में शिकायत करने के नाम पर धमकी देकर पैसा मांगा जा रहा था। 1-2 दिन बाद दोबारा वादी के मोबाइल पर बार बार फोन और मैसेज से पैसा मांगा जा रहा था और पैसा ना देने पर जान से मारने की धमकी देते और पैसे के लिए वादी को बहुत परेशान कर रहे थे। 19 सितंबर को उन लोगों द्वारा वादी को पैडलेगंज बुलाया गया और कहा गया कि अगर आज पैसा नहीं दोगे तो पक्का तुम्हारी हत्या कर देंगे, जिसके बाद वादी काफी डर गया और थाना कैंट में इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करवाया। अभियुक्तों से पूछताछ में यह बात पता चली कि गिरधारी जायसवाल जो वर्तमान में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है, अपने विभाग का डाटा चुराकर अपने साथी राजकुमार यादव जो फर्जी अंक पत्र पर नौकरी करने के कारण बर्खास्त शुदा अध्यापक व रुद्र प्रताप को देते हैं और सभी के द्वारा ऐसे लोगों को लक्ष्य किया जाता है जिनके अंक पत्र व डॉक्यूमेंटों में कोई कमियां हैं, साथ ही साथ अध्यापकों को एसटीएफ व बीएसए ऑफिस में शिकायत करने का डर दिखाकर रंगदारी मांगी जा रही है व पैसा ना देने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वादी के द्वारा पंजीकृत मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, एसटीएफ प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार, कांस्टेबल राकेश यादव, संजीत यादव, हेड कांस्टेबल अभिलाष कुमार तिवारी, चंद्रभूषण सिंह, आशुतोष कुमार तिवारी, गुंजन सिंह, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, अखिलेश श्रीवास्तव, इमरान खान, अशोक कुमार सिंह, कांस्टेबल गौरव सिंह, विनय कुमार सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, मोहित गौर शामिल रहे। Thank you.